तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में मिस्टर मैंग के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दो मिक्स कोर्स। पहला है मेरा एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, और इसी में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एक्सेल। राइट सर? तो सबसे पहले हम एक्सेल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपके सामने जो एक्सेल दिख रहा है, आखिर एक्सेल है क्या? तो देखिए, एक जस्ट स्प्रेडशीट है। इसमें एक फाइल होता है, शीट्स होते हैं, और शीट्स के अंदर कॉलम होते हैं, उसके अंदर रो होता है, और जो डेटा कैरी करता है वो एक सेल होता है जी। कोई भी हम डेटा डालेंगे तो एक सेल के अंदर ही डालेंगे। तो इसका यूज क्या होता है? अगर आप ऑफिस में काम करने जाएंगे तो इसका यूज क्या करेंगे? ठीक है जी। इसके मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ यूजेज मैंने डिफाइन किए हैं। सबसे पहला डेटा स्टोरेज। लेकिन याद रखिएगा, डेटा स्टोरेज की बात हो रही है तो कोई एक डेटाबेस नहीं है। ये एसएमई शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे हम जैसे लोग इसमें डेटा स्टोर करते हैं अपने डेटा, समझ गए? अब क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है। सबसे पहला तो इसमें एक शीट के अंदर में 10,48,576 रोज है, मतलब उतनी एंट्री, उतने इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स की डेटा डाल रहे हो कि आपके कितने कस्टमर्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने कस्टमर आईडी डिफाइन कर दिया कि कस्टमर आईडी नेम, अलग अलग फील्ड्स बना लिए। जैसे कि याद होगा कि जब हम लोग कंप्यूटर नहीं थे हम लोगों के पास, हम लोग क्या करते थे, ये सारे काम रजिस्टर पे करते थे। तो सेम तरह से डिजिटल रजिस्टर समझ लीजिए, ठीक है जी। तो इसमें जो है हम एक रो में एक कस्टमर की एंट्री करें तो ऐसे हम 10,48,576 कस्टमर की एंट्री एक सीट में कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा चाहिए तो फिर मुझे दूसरी सीट को अक्वायर या तीसरी सीट को अक्वायर करना पड़ेगा जी। बट इसमें एक और प्रॉब्लम है कि आप जैसे ही आपका डेटा, जैसे से आप डेटा एंट्री करते जाएंगे, आपकी फाइल की साइज, फाइल कौन सा है, हमारा बुक वन है, इस बुक वन की साइज बढ़ती जाएगी। ओके। और आपका एक्सेल हैंग होता जाएगा। हैंग मतलब लेट प्रोसेसिंग जी। इसलिए एक्सेल को हम डेटाबेस नहीं माना। हालांकि एक्सेल में हम एंट्री 10,00,000 एक सीट है, ऐसे कई सारे शीट्स ले सकते हैं, जैसे कई सारे इनपुट ले सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग टेबल्स में हो जाएगी, एक टेबल में नहीं रहेगी। तो आगे चल के रिलेट करना, फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे भी आपकी फाइल जैसी सीट के अंदर में आप 6-7 लाख डेटा डालेंगे, आपका हैंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल डेटाबेस के लिए नहीं बना है। ओके, ठीक है। लेकिन इसमें हम मिसलेनियस डेटा, मतलब कि स्मॉल डेटा या मिसलेनियस डेटा डाल सकते हैं। स्मॉल डेटा हम जैसे व्यापारी लोग डालेंगे। अब कॉर्पोरेट फील्ड में जानते हैं तो कॉर्पोरेट फील्ड में एक्सेल में दो तरह की एंट्री होती है। पहली मिसलेनियस डेटा, जैसे कि मान लीजिए कि आप अकाउंट टीम में है, राइट? तो अकाउंट टीम अपनी पूरी एंट्री मान लीजिए टैली ईआरपी में करती है, पूरी इंफॉर्मेशन टैली ईआरपी में होती है, फिर भी वो लोग एक्सेल यूज करते हैं। क्यों? जैसे कि छोटी मोटी खर्चे होती है, पेटी कैश हो गया या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हो गई, चेक प्रिंट हुआ या कौन सा चेक प्रिंट हुआ, क्या नहीं हुआ, किसको इशू किया, किसको इशू नहीं किया, ऐसे जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपकी ईआरपी में टेबल जनरेट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ना कि आपके 2 रुपए की फोटो स्टेट है, 3 रुपए की चाय है, जो पेटी कैश होता है ना ऑफिस में छोटे मोटे खर्चे के लिए निकाला जाता है, अब उसकी एंट्री तो टैली में ही नहीं की जा सकती। टैली में तो एक लेजर बनेगा पेटी कैश का और उसमें डेबिट क्रेडिट होगा, लेकिन जो पेटी कैश मेंटेन करेगा उसको तो पूरा हिसाब रखना पड़ेगा उसने कितना खर्चा किया है। छोटे मोटे ऑफिस में तो 1,000-2,000 होता है, लेकिन जो बड़े ऑफिस में तो 1,000-2,00,000-2,00,000 करोड़ में चला जाता है जी। तो वहां पे वो लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो पहली क्या होती है हमारी, मिसलेनियस डेटा।
ऐसे में जो है छोटे मोटे लोग जो है व्यापारी जो है वो अपनी डेटा को एक्सेल में रखते हैं, उसके लिए एक्सेल एक डेटाबेस बन जाता है, बट स्मॉल मीडियम, ठीक है जी। लेकिन ये कॉर्पोरेट फील्ड में आता है तो एक्सेल पे दो चीज स्टोर होती है, पहले मिसलेनियस डेटा, दूसरी एनालिसिस डेटा। तो मिसलेनियस डेटा समझ में आ गया जी। अब हम एनालिसिस डेटा की बात करते हैं कि जो हम जो एनालाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए एनालाइज क्या होता है, हमें एक डेटा मिलता है, डेटा क्या होता है, एक क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को समराइज करना होता है। सपोज दैट कि मैंने मेरे पास एक डेटा हमने डाउनलोड किया अपने मान लीजिए जो हमारे पास पेरोल का है डेटा, मान लीजिए पेरोल का सॉफ्टवेयर उससे डाउनलोड, तो यहाँ पे मुझे उसकी सैलरी मिल गई कि हमारे किसी बंदे को क्या क्या सैलरी क्या क्या पे किया गया है। ओके तो हमने इसको डाउनलोड किया क्यों, क्योंकि मुझे इसमें से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे चाहिए कि हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है। ओके तो एवरेज सैलरी निकालने का पर्पस क्या है कि हम हर डिपार्टमेंट में सीट्स को बढ़ाना चाहते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर समरी या रिपोर्ट या एनालिसिस करते हैं उसका मोटिव पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ओके मोटिव पता होगा कीजिएगा। तो क्या है कि बॉस ने बोला कि बॉस चाहते हैं हर डिपार्टमेंट में एक दो सीट को इंक्रीज करना। ओके बॉस चाहते हैं कि ये पता लगाना कि कितना, अगर मान लीजिए कि हर डिपार्टमेंट दो दो सीट से बढ़ाते हैं तो कितनी सैलरी का लोड पड़ेगा। ओके तो सैलरी का लोड कैसे पता चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे की सैलरी सेम तो नहीं होती ना जी। तो यहाँ पे हम एवरेज कर, मान लो 10 बंदे हैं, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को, चलिए 5 लाख मतलब बहुत ज्यादा हो गया, तो 10 हमारे मेरे ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, 10 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, और किसी की सैलरी 5,000 है, किसी की 7,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 12,000, टोटल मिला के 1 लाख रुपया हम महीना देते हैं जी। तो एक बंदे के ऊपर कितना पड़ा, 10,000 रुपया। 10,000 तो अगर मैं कोई बंदा हायर करूंगा तो मैं माइंड लेके चलूंगा कि 10,000 तक खर्चा होगा जी, क्योंकि मेरी कंपनी की एवरेज सैलरी 10,000 जी। तो उसी तरह से बॉस भी चाहते हैं एवरेज, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं पता लग सकता ना सर कि कितना वजन बढ़ेगा, एग्जैक्ट तो हायरिंग के बाद पता चलेगा ना, हम तो हायरिंग से पहले एक अनुमान लगा रहे हैं जी। तो उस केस में हम 10 एक पिवट टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, इन इंफॉर्मेशन के लिए इंसर्ट में पिवट टेबल, और फिर हमने ओके किया और हमने डिपार्टमेंट को रोज में डाला ताकि मुझे यहाँ पे लिस्ट मिल जाए। ओके पिवट टेबल जानते हैं, नहीं आप नहीं जानते हैं, नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बेसिकली मुझे इसकी समरी निकालना है। तो मैं अगर पिवट टेबल ना लगाऊं तो मुझे एक एक डिपार्टमेंट को उठाना पड़ेगा, फिर इसकी समरी निकालना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा टफ है जी। तो हमने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट किया, या डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, हम इंसर्ट ऐप पे गए, पिवट टेबल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। एक नई सीट इंसर्ट हो गई, उस नई सीट में ये आपका पिवट एरिया और ये आपके फील्ड्स, फील्ड्स कौन से हैं जो आपके डेटा में थे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, तो ये यहाँ आपका डिपार्टमेंट दिख रहा है जी। और हमारे पास चार फील्ड है, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू एंड रो, हमने डिपार्टमेंट को लिया और रोज में डाल दिया। ओके रोज में क्यों डाला, ताकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट मिल जाए, क्यों, क्योंकि हमारे डेटा में तो एक डिपार्टमेंट कई बार रिपीटेड है ना जी। एक सेकंड कीजिए, हेलो, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक मिनट बताओ।
सॉरी सर, एक कॉल आ गई थी। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको रो में रखा ताकि जो नंबर्स है वो एक एक करके इस तरह से आ जाए। ओके ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए सैलरी का एवरेज। तो आपके पास यहाँ पे दो फील्ड है, रोज एंड कॉलम, दो फील्ड है। क्या है? पहला रोज है और दूसरा कॉलम है। कॉलम, तो अगर हमने रोज को उठा के कॉलम में रखा तो एक कॉलम वाइज हो जाएगा, लेकिन कॉलम वाइज डेटा हमारी रिपोर्ट सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम डिपार्टमेंट रोज में करेंगे, नहीं रहने देंगे। फिल्टर के बारे में बाद में बताएंगे, फिल्टर रहने दीजिए। दूसरा हमारी कैलकुलेशन इस पे करनी है, हमें क्या करना है? एवरेज करना है। एवरेज एक कैलकुलेट है, कैलकुलेशन है। तो जिस फील्ड को कैलकुलेशन करना है उस फील्ड को उठा के हम बैंक, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम आया या फिर काउंट आया। ओके ठीक है, लेकिन मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे इससे पता चल गया कि आईटी टीम में टोटल इतनी सैलरी दी गई है, आरएनडी टीम में टोटल इतनी सैलरी दी गई है, तो मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए ताकि पर पर्सन पता कर सके। ओके, जो दूसरी फाइल खुली हुई थी उसमें भी ये डिवाइडर था क्या, जो जहां से हमने ये डेटा कॉपी किया है? वो भी एक बार ओपन कीजिए उसे जी। उसमें भी ये जी, ओके, ये डिवाइडेड है ना सारा? हाँ, सैलरी अलग है, सैलरी अलग है। ओके, डिपार्टमेंट अलग है। मतलब हुआ कि समझे कि अब बताता हूँ कि आईटी इसमें कई बार है, यहाँ दिखाता हूँ, आईटी हमारे पास कई बार है। इसने क्या किया, पिवट ने क्या किया कि आईटी को यहाँ एक बार रखा और आईटी के प्लस में जितने भी सैलरी है इनका टोटल लेके इसने यहाँ। ओके, तो आपने ये जैसे ये तो हमारे हो गए है ना आईटी एंड ये सभी कुछ लिखा हुआ है, ये आपने सिलेक्ट ऊपर भी जैसे डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ था, वो कैसे अलग हो गया? क्या बोल रहे हैं, समझ दोबारा बोलेंगे जी? जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के नीचे सभी डिपार्टमेंट आ गए है ना, जब हमने पाइवट टेबल सिलेक्ट किया उसमें हमें स्पेशल पर्टिकुलर ऑप्शन आने लग गई डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज लिखा हुआ है, आईटी लिखा हुआ है जी। मुझे ये चाहिए, जब हम हमारी पिवट लगती है ना, पिवट जी पहले फील्ड को हेडिंग समझ लेती है। ओके, इसे हेडिंग समझ लेता है। हाँ, ऑटोमेटिक उसमें सिस्टम में सेट है कि जो आपका पहला है इसे हेडिंग। ओके, समझ गए? ठीक है जी। और इसीलिए अगर आपका कोई हेडिंग ब्लैंक है तो आपका पिवट नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं, एरर देगा। ओके, इसे हेडिंग होना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने सम ऑफ सैलरी, अभी मुझे कैलकुलेशन चाहिए। तो देखिए हर फील्ड के अंदर में डिटेल्स होता है, तो यहाँ साइड में कॉर्नर में एक एरो का निशान दिख रहा है ना जी, उस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग क्या दिख रहा है, वैल्यू फील्ड सेटिंग, ये हमारा वैल्यू फील्ड है, वैल्यू फील्ड है ना, इसकी सेटिंग्स को हम ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सम है, काउंट है, ये हमारा एवरेज है जी। अब इस एवरेज को सेलेक्ट किया एंड ओके। ओके ठीक है जी, एवरेज को सेलेक्ट किया और इसने ओके किया, ठीक है, ये नीचे एवरेज आ गई, ये आपकी सारी एवरेज आ गई, डिपार्टमेंट बाय एवरेज एंड ओवरऑल एवरेज। ओके, मतलब कि पूरे कंपनी में 63,400 पर हेड सैलरी दिया जाता है जी, बट डिपार्टमेंट वाइज अलग, आईटी 70,000 देता है, आरएनडी 6671,000 देता है। यही आपका बिजनेस सॉल्विंग का मेथड है कि आप एक डेटा को समराइज करेंगे और एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने खाना बना लिया, तो ऐसे थोड़ी है कि मान लीजिए कि आपने कुकर में दाल और चावल बनाया, दोनों टुकड़े उठा के फंस देंगे जी। थोड़ा सा हमें विजुलाइजेशन चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि डेकोरेट करना पड़ेगा, जैसे आप किसी खाने को डेकोरेट करते हैं ना जी, उसको डेकोरेट करना पड़ेगा, तो डेकोरेशंस के अलग अलग उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर है
वो आपका क्या है डेटा फॉर्मेटिंग. तो फॉर्मेटिंग यही होता है. तो फॉर्मेटिंग में फॉर्म अलाइनमेंट, आपका बैकग्राउंड कलर, आपकी क्या बोलते हैं अलाइनमेंट्स है, नंबर्स फॉर्मेटिंग है, ये सब चीजें इसमें आपके लिए इसमें भी फॉर्मेटिंग हम करते हैं. तो यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ, इसका हेडिंग चेंज कर देते हैं. मैं कर देता हूँ डिपार्टमेंट जी, और यहाँ पे एवरेज ऑफ सैलरी सही है क्या, सैलरी फॉर हेड कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके उसके बाद बाकी ठीक है. अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं. तो मैंने इसका इसमें सबसे पहले तो बॉर्डर लगा दूं मैं यहाँ से. ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना सर साइड में, आपके लिए है, ये आपको प्रिंट आउट में नहीं आएगा. ओके तो ग्रिड लाइन कहा जाता है. ये आपको बताने के लिए है कि हाँ ये सी कॉलन और डी कॉलन जो है इसकी बॉर्डर ये है. ओके बट जब आप इसकी प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना सर जी. प्रिंट में आपको वही आएगा जो बॉर्डर है. ओके मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे बॉर्डर चाहिए. अब यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा है, जनरली हम दो डेसिमल प्लेसेस रखते हैं ना, तो सिलेक्ट कीजिए. यहाँ नंबर में आपको यहाँ दिख रहा होगा सिंबल डेसिमल का, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल जी, डिक्रीज डेसिमल. तो हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, एक पॉइंट या दो पॉइंट जो रखना चाहे आप रख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें अब पूरा वो कलर करना जरूरी नहीं है कि पूरा वो कलर करें. अब ये हो गई हमारे लिए राइट. अब इसको हम कहीं भेज सकते हैं या जो मुझसे मांग रहा है उसको दे सकते हैं. इससे फायदा क्या हुआ समझ में आया सर, क्या वो समझ गया कि 63,400 पर हेड, अगर हम 10 सारे डिपार्टमेंट में 10 बढ़ा रहे हैं तो हमारा 6,400 रुपए से का वजन महीने का बढ़ेगा. अगर सिर्फ आईटी में 2 बढ़ा रहे हैं तो हमारा 1,40,000 का बढ़ेगा. नहीं यहाँ पे जो है एवरेज 70,000, अच्छा 2 का बना रहे हैं तो, हाँ 2 का तो 1,40,000 हुआ जी. 1,40,000. तो इससे हमें डिसीजन, इससे जो भी कंसर्न पर्सन है उसको डिसीजन लेने में फायदा हुआ जी. मान लीजिए कंपनी का बजट नहीं रहेगा 6,00,000 का, कंपनी का बजट जो है वो कम है, तो कंपनी ज्यादा हायरिंग कर देगी तो फिर उसको नुकसान उठाना पड़ेगा जी. बिल्कुल, कंपनी के पास बजट बहुत है, काम भी बहुत है, लेकिन उसको पता नहीं था, अनुमान से उसने मान लो कम हायरिंग कर दी तो उसको काम ही तक करेगा जी. इसलिए एक सही इन्फॉर्मेशन मिला, उस सही इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे फिर डिसीजन लिया जाए जी. यही काम आपको बैठ के ऑफिस में भी करना है. अब इसी चीज को आपके जो यूनिवर्सिटी जो है उसी चीज को बिजनेस सॉल्विंग नाम दे दिया. ओके हम लोग इसको नाम देते हैं एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग. ओके समझ गए जी. बिल्कुल. अब आगे बढ़ते हैं इसमें. अब एक और प्रॉब्लम आ गई. अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा किसकी सैलरी है, सबसे कम किसकी सैलरी है? सबसे ज्यादा है टीआरजी की. हेलो. हाँ सबसे कम, सबसे कम है जो है वो है फाइनेंस की. तो इसके लिए आपको ढूंढना पड़ा जी. बिल्कुल. हेलो. चलो ये तो हजार में थे तो आपने एक नजर मारा और आपको हो गया जी. बिल्कुल. लेकिन अगर लाख में होता फिर मुश्किल हो जाना था. करोड़ में होता बहुत मुश्किल हो जाना था. तो इसी के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और पिवट है, पिवट में कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. इंसर्ट में okay. हम विजुलाइजेशन सेट करेंगे, हम ग्राफ या चार्ट लगाएंगे. ओके ताकि कोई किसी को इस माने की कैलकुलेशन ना करना पड़े, जस्ट देख के बताना टीआरजी सबसे ज्यादा है और आपका फाइनेंस okay. में आपका अकाउंट सबसे कम है. अकाउंट और फाइनेंस दोनों सिमिलर है. ओके 57,000. हां फाइनेंस जी. इसलिए पता चल गया जी. बिल्कुल. क्या हां जी
आपको इजिली पता चल गया ना। अब इसमें एक ही और देखने दिखा सकते हैं, मैं इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे जाता हूँ और एड थिन लाइन। ओके थिन लाइन में एवरेज मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। ओके तो उससे क्या फायदा पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है अप्स एंड डाउन्स का पता चलता है। हाँ उसने उससे ये पता चल रहा है कि 63,000 जिसकी एवरेज है उससे कौन ऊपर गया, ये ऊपर गया जी ऊपर वाला है जी, कौन सच कर रहा है। ओके समझ गए। तो ये हमारा चार्ट, चार्ट क्यों यूज किए समझ में आ गया जी बिल्कुल। अब कैसे करना है तो हम क्लासेस में बताएंगे आपको, यहाँ आपको समझना है एक्चुअली यूज क्या है। ओके तो ये हमारा विजुलाइजेशन होता है, क्यों होता है, ताकि हम इजिली कंपेयर कर सके जी, कंपेयर कर सके। समझ गए जी बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट लाइफ में एक्सेल का यूज होता है डेटा स्टोरेज के लिए। अब ये डेटा स्टोरेज, अब मान लीजिए ये डेटा हम यहाँ स्टोर नहीं कर रहे, ये डेटा मैंने सिस्टम से निकाला है, एक्सेल में नहीं है, ये डेटा आपके कोई सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जैसे कि पेरोल हो गया, एसक्यूएल हो गया, आइलोन हो गया, आपका सेल्स फोर्स हो गया, सैप हो गया, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है जिसमें डेटा हमारा स्टोर रहता है। हमने वहां से डेटा डाउनलोड किया, एक पर्टिकुलर डेटा डाउनलोड, क्यों, ताकि हम इसकी एनालिसिस कर सकें। डाउनलोड करके कहां स्टोर किया, एक्सेल। ओके तो दूसरा आपने बता, आपका स्टोरेज समझ में आ गया कि हम डेटा स्टोर कहां करेंगे जी। अब दूसरा इसमें बात आती है कि हम एक्सेल का दूसरा यूज करते हैं वो कैलकुलेशन के लिए जी, जैसे आपके सामने कैलकुलेशन है यहाँ जी बिल्कुल। जैसे अब सैलरी आ गया और हम बॉस ने बोला कि भाई बोनस ओवर टाइम मिला मुझे इसका टोटल इनहैंड बता दो और इनके जो है एडमिन चार्ज 2% कटना है और पीएफ 12% कटना है। ओके उसके बाद टोटल इनहैंड सैलरी दो। तो हमने क्या किया, कॉलम ऐड किया, हमने बोला ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस में हमने तीनों का सम कर दिया जी बिल्कुल। या यहाँ पे आप एक प्लस भी कर सकते हो इस तरह से, या सम हमारे को सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद मुझे इसका 2% आपने जो पहले फॉर्मूला लगाया था वो कैसे लगाया था, हमने यहाँ पे इक्वल सम और फिर इसको सिलेक्ट किया। ओके इसको सिलेक्ट कर लिया जी और नीचे की तरफ ड्रैग कर डबल क्लिक कर दिया, ड्रैग हो गया। ओके डबल क्लिक की, हाँ एड डबल क्लिक, यहाँ कॉर्नर पे दिखाया ना आपको, यहाँ पे करना होता जी बिल्कुल जी। ओके एडमिन 2% लेता है तो हमने ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2% एडमिन का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब 2% निकालनी हमें कंट्रीब्यूशन, मतलब थोड़ी मैं जो समझा रहा हूँ आपको कि हम कैलकुलेशन का कैसे करते हैं। ये 2% हमने क्या, मुझे ये चीज नहीं समझ आई आप क्या कर रहे हो। देखिए मैं कर रहा हूँ कि हमारे सैलरी इतना है, बोनस इतना, ओवरटाइम इतना है, तो ग्रॉस 72,960 रुपए देने, लेकिन कंपनी कर देगी एडमिन चार्ज, मतलब कि कंपनी का जो होगा अंदर इंश्योरेंस वंश्योरेंस और भी चीजें होगी उसके लिए वो सैलरी की 2% डिडक्ट कर देगा। बेटी का गर्दन दबा देंगे पक्का। आती है सुरसिना वो इन्वर्टर बंद करके चल जाती है। बात हुआ डायरेक्टर से लगे देते हेलो हेलो जी हाँ सॉरी सर मेरी बेटी ने नेटवर्क का स्विच बंद कर दिया। ओके नो प्रॉब्लम, छोटी है ना पैर हो गया चलने लगी है। तो यहाँ पे हम 2% कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो आप किसी का परसेंटेज निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसका परसेंटेज, तो मुझे उसका परसेंटेज ठीक है। अब मुझे इसका 12% और निकालना है मान लीजिए पीएफ जी,
तो हम इसका हालांकि ग्रोथ से होता है, ग्रोथ पे नहीं होता, ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर देंगे 12%। अब मुझे इन दोनों को आपके टोटल से माइनस करना है जी बिल्कुल। तो हमने इसको सेलेक्ट किया माइनस, हमने बोला सम, क्योंकि दो है ना हमारे पास, हमने ग्रॉस माइनस हमने दिया सम और ब्रैकेट ओपन किया और हमने एडमिन प्लस पीएफ आ गया टोटल जी। ओके तो हम एक्सेल का यूज कैलकुलेशन के लिए भी करते हैं। ओके ठीक है सर जी बिल्कुल। तो कैलकुलेशन लिए हो गया, उसके बाद हम आपको एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो अभी आपको मैंने एक एनालिसिस करके दिखाया, एक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया जी, और तीसरा यूज होता है शेयरिंग, चौथा यूज होता है शेयरिंग के लिए, मतलब कि मुझे शेयरिंग, हाँ शेयरिंग, डेटा शेयरिंग। मान लीजिए आपको भेजना है मुझे, तो हम एक्सेल ही प्रेफर करेंगे ना। मान लीजिए मुझे आपको कोई डेटा भेजना है जी, तो डेटा चाहे मुझे जहां पर आओ, लेकिन हम आपको एक्सेल में भेजेंगे जी। इसका इसका क्यों भेजेंगे, इसका इसलिए क्योंकि मान लीजिए मेरे पास, मैं टैबलू यूज करता हूँ, मैं आपको टैबलू की नोट फाइल या एक्सेल की नोट फाइल या फॉक्समर की नोट फाइल आपको भेज दी, तो क्या होगा कि उसको ओपन करने के लिए आपको फॉक्समरो या टैबलू या एक्सेल होना चाहिए जी। जिस सॉफ्टवेयर का फाइल है आप उसी सॉफ्टवेयर को, उसी सॉफ्टवेयर के जरिए उसको ओपन करके उसको देख सकते हैं जी। तो प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको भेज दिया आपका, मुझे क्या पता आपके पास है या नहीं जी, तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी ना सर जी बिल्कुल। लेकिन मुझे कंफर्म है कि एक्सेल होगा, एक्सेल नहीं हुआ तो स्प्रेडशीट ओपनर या ऑफिस ओआरजी वगैरह होगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट गूगल पे ही, मेल पे ही डायरेक्ट पढ़ लेंगे। ओके जी, यहाँ पे खुल जाएगी। हाँ, जैसे कि कोई फाइल आई, जैसे ये फाइल आया हमें, तो हम यही पे इस फाइल को क्लिक करके खोल सकते हैं, मुझे इसके लिए एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एटलीस्ट मेरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं जी। ठीक है जी, क्लियर है जी बिल्कुल। ये हमारी इंफॉर्मेशन थी और सर 7:45 हो गया है, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बातें